So, जब से TikTok इंडिया में बैन हुआ है तब से ही ऐप हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस पर लगा ये बैन हट जाए और ये इंडिया में दोबारा से काम करना शुरू कर दे। इसके लिए लगता है कि TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance वो सब कुछ करने को तैयार है जो पॉसिबल हो सकता है, और करे भी क्यों ना, आखिर इंडिया TikTok के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और यहां पर इस शॉर्ट वीडियो ऐप के करीब 20 करोड़ यूजर्स है। पहले तो ये खबर आई थी कि TikTok इंडियन यूजर्स के लिए इंडिया में ही सर्वर सेट करेगा, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इंडियन बिजनेस को बचाने के लिए TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance TikTok का कुछ स्टेक रिलायंस जियो को बेचने को तैयार है। तो आज के इस TikTok के वीडियो के अंदर मैं आपसे इसी पर बात करूंगी और बताऊंगी कि क्या रिलायंस जियो TikTok को खरीदने वाला है, और साथ ही ये भी आप जानेंगे कि क्या इसके बाद TikTok पर लगा बैन हटेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इंडिया में बैन किए जाने के बाद ByteDance ने कहा था कि इस बैन की वजह से उसका $1 बिलियन यानी कि 75 अरब रुपए का एक्सपेंशन प्लान डीरेल हो गया है। ByteDance के इंडिया में 3 मेजर एप्स बैन हुए हैं, TikTok, हेलो और विजीविट्यू, और ये चाइनीज फर्म्स इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही थी, पर अब ये सब कुछ इसके लिए एक सपना सा बन गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया के बाद दूसरे देशों में भी TikTok को बैन करने की बात चल रही है। तो ऐसे में ByteDance अपने बिजनेस को बचाना चाहता है और इसमें हर जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो कर रहा है, और इसके लिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ByteDance रिलायंस जियो के साथ एक डील पर बातचीत कर रहा है ताकि जियो TikTok के इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बचा ले और इंडिया में इसकी वापसी पॉसिबल हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू TechCrunch रिपोर्ट ByteDance और रिलायंस जियो के बीच ये जो डील है उसको लेकर बातचीत जुलाई में ही शुरू हो गई थी। हालांकि ये दोनों कंपनीज अभी तक किसी भी अग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं, पर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में डील पर कुछ और क्लैरिटी मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि TikTok जियो का हो जाए। इंडिया में TikTok का बिजनेस $3 बिलियन का है, और अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट रिलायंस जियो $5 बिलियन में TikTok के बिजनेस को खरीद सकता है। वेल, अगर जियो TikTok में स्टेक परचेस करता है तो इस ऐप का इंडियन बिजनेस जो है उसको वो पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा, और इसके बाद TikTok के इंडिया में वापसी आने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। सो TikTok की इंडिया में वापसी आसान हो जाएगी और TikTok यूजर्स फिर से इस ऐप को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो पुराना डेटा था TikTok पर लाइक वीडियोस, फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वो सब भी आपको वापस मिल जाएगा। वैसे इंडिया में लोगों को TikTok के चाइनीज ओरिजिन से तो परेशानी थी ही, इसके साथ उनको एक और चीज से परेशानी थी और गुस्सा था, और वो था इस ऐप पर शेयर किए जाने वाला वल्गर और इनडिसेंट कंटेंट। ऐसे में अगर जियो TikTok में स्टेक खरीदता है तो इससे एक मेजर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो इस ऐप पर है वो है इस पर शेयर किए जाने वाला वल्गर कंटेंट, वो जो है वो एज इट इज रहेगा। इसके लिए भी TikTok को काफी कुछ करना पड़ेगा। वेल, इंडिया में TikTok का फ्यूचर क्या होगा ये तो भाई आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस ऐप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो डेफिनेटली मैं आप तक लेकर आऊंगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं आपको देती रहूंगी, इसके लिए आप देखते रहिए TikTok। ABP News, आपको रखे आगे।